हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे स्टडी। और आज क्लास में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश की एग्ज़ाम में अगर आपकी भी मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे तो उसको स्कोर ज़्यादा ज़्यादा कैसे करें। ठीक है, यही आपकी परेशानी है ना। अगर परेशानी नहीं होती तो आप वीडियो पे आते ही नहीं। देखो, मैं इंग्लिश को बहुत अच्छी करने के लिए दो तीन स्टेप बताऊँगा, ज़्यादा नहीं, जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ, इसका मतलब क्या होता है, बोलो कि इंग्लिश सीखने आए और इंग्लिश बोल रहे हो, भाई हिंदी बोलो ना। देखो, आप कंटिन्यू, आप अगर लगातार इस काम को करते हैं तो आपकी बिल्कुल भी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी मात्र एक से दो महीने के बीच में। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी, मतलब रेगुलरिटी जो है आपकी लाइफ में होनी चाहिए। इंग्लिश को या फिर मैथ, जो भी सब्जेक्ट है, किसी भी काम को लेकर कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश को दो पार्ट में बांटो। पहला क्या भाई, हमारा ग्रामर है, और दूसरा क्या हमारा वोकैबुलरीज है, और तीसरा कुछ लोग बोलते हैं पैसेज। तो पैसेज कोई तीसरा पार्ट नहीं है, ग्रामर और वोकैबुलरीज का कॉम्बो है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चलो मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई अच्छी सी बुक को पकड़ना है, जो बुक आपको समझने में आसान लगे। देखो, यहाँ पे मार्केट में चार से पांच बुक्स, मान लो अगर हम बोलते हैं कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें से चार पांच बुक का नाम आप जानते होंगे। देखो, इंग्लिश ग्रामर की रूल सारे में एक ही होती है, आप एक बार किसी भी बुक को अच्छे से फॉलो करो, जैसे आप लूसेंट को फॉलो करते हो करो, अगर आप केडी पब्लिकेशन, जो मैं बहुत ज़्यादा इसको पसंद करता हूँ, केडी पब्लिकेशन को फॉलो करते हो करो, इसके अलावा जो भी इंग्लिश ग्रामर की बुक को आप फॉलो करते हो करो। लेकिन सिर्फ उस बुक को फॉलो करने से थोड़ी होता है कुछ भी, आप उस बुक को जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन करो, अदरवाइज एसएससी की प्रीवियस ईयर करो। आपको एयरफोर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं मिलेगी, मेमोरी बेस्ड मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं होती, गलत सलत होती है, कुछ भी डाल देते हैं लोग बुक पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो एसएससी की प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की क्वेश्चन है, ग्रामर की, कॉमन एरर है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, जो भी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। ठीक है ना, तो फिर आप देखो आपका इंग्लिश बहुत ही ग्रामर बूस्ट करेगा बहुत कम टाइम के अंदर। तो आपको डेली एक चैप्टर पढ़ते जाना। ठीक है, इंग्लिश में 15 से 16 चैप्टर सिर्फ हैं, जो कि 16 दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर जो है ना, आप इसको कर सकते हो। जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो आप, अच्छी तरीके से करो, उसको पढ़ो, और फिर बुक चेंज नहीं करना है। कम से कम एक बुक को ना दो से तीन बार पढ़ो, चार पांच बुक को मत फॉलो करो, एक ही बुक को दो से तीन बार पढ़ो, और जो चैप्टर पढ़ रहे हो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन तो कम से कम उसकी प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने आज आर्टिकल पढ़ा, तो मैं आर्टिकल की 50 क्वेश्चन मुझे पढ़ने के जस्ट आधे घंटे के अंदर जो है प्रैक्टिस सेट लेके बैठ जाना है कि हम इसको आधे से एक घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमने गलती कहाँ पे की है। ठीक है ना, आपकी मान लो 50 में से मात्र 10 क्वेश्चन सही हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप तो सीख रहे हो, गलती तो करोगे ना। 10 क्वेश्चन सही हुए उसको कॉपी पे लिख दो कि हमने, जब उस चैप्टर के ऊपर लिख दो कि हमने इसके ऊपर 50 क्वेश्चन किया था, 10 क्वेश्चन सही हुआ, फिर अगले दिन दूसरी चैप्टर लेकर बैठो, उसमें भी पढ़ो, उसकी भी प्रैक्टिस सेट, यही सेम रूल को फॉलो करो। मंडे टू सैटरडे यही काम करो, मंडे टू सैटरडे मान लो आपने 6 चैप्टर पढ़ लिया, और फिर क्या करना है, संडे को जो 6 चैप्टर पढ़ा है उसकी वही प्रैक्टिस सेट को अगेन लगाओ। अभी हमने चैप्टर को पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस सेट को अगेन लगाना है, और फिर आपका मार्क्स बूस्ट करेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि ग्रामर के रूल्स पे पकड़ बनेगा। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना, तो एक क्वेश्चन पढ़ते हो तो उस पर ग्रामर का पहला रूल याद आता है, अच्छा इसमें ये रूल को फॉलो करना था, दूसरे में इस रूल को, वैसे आपका रिवीजन होता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए। तो ये तो ग्रामर की बात हुई भाई, कि ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है। वोकैबुलरीज ये जो है, ये आपकी रटने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बोलता हूँ कि वोकैबुलरीज को रटने से याद होता है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह, आप बोलते हैं ना सर वन वर्ड की ट्रिक बता दो, कोई ट्रिक से याद करा दो, तो ये ट्रिक जो है ना कुछ टाइम के लिए काम करता है, फिर आप भूल जाते हो। इसलिए जब भी आप इंग्लिश की कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो वहाँ पे वोकैबुलरीज का भी रिवीजन होते रहता है। इसलिए आप रेगुलरिटी के साथ करो ना, वोकैबुलरीज को पढ़ते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो, रटना नहीं है, पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला। कभी कभी हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों के बीच में ना, तो याद करो, अच्छा महंगा बोलना है तो एक्सपेंसिव बोलेंगे हम, क्यों महंगा बोलेंगे, एक्सपेंसिव बोलो, हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा कंजूस हो, तो हम स्टिंगी बोलेंगे, माइजरली बोलेंगे, माइजर बोलेंगे, ये सब चीज़ें वर्ड को यूज़ करो, उससे आपका वोकैब आसान हो जाएगा। ठीक है, और जो पैसेज पढ़ते हो ना, पैसेज जब बनाते हो तो उसमें जो वोकैब नहीं आया उसको छोड़ के आगे मत बढ़ो, कॉपी पे लिखो, उसको याद कर लो अच्छे से, ग्रामर्स के रूल उसमें अप्लाई होते हैं, तो पैसेज सॉल्व किया करो। तो ये सब तरीका है, लेकिन ये सब रामबाण नहीं है, ये सारे कैंडिडेट्स करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को सारे कैंडिडेट्स करते हैं, बट सारे से डिफरेंट क्या करना है हमें, तो डिफरेंट हमें ये करना है। देखो, हमने जैसे बताया आपको कि हम एक दिन में एक चैप्टर ग्रामर पढ़ेंगे, और एक दिन में हमने क्या करना है, 10 सिनोनिम पढ़ेंगे, 10 एंटोनिम पढ़ेंगे, 10 वन वर्ड पढ़ेंगे, और 10 क्या करेंगे, इडियम फ्रेज पढ़ेंगे। ये सबसे अलग काम हुआ,
कुछ कैंडिडेट्स एक दिन में 50-50 यूनिम रटते हैं, अगले दिन 50 एंटोनिम रटते हैं, और फिर चौथा दिन आता है जिसमें 50 ईडियम फ्रेज रटना है ना, उसमें आते आते ही पहले का रटा हुआ भूल जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, डेली बेसिस पे 10-10 करके याद करो, एक दिन में 40 वोकैब याद होगा, और 40 को 30 से मल्टीप्लाई करो तो एक महीने में 1200 वोकैब याद होगा, ठीक है ना। ये है एक बिजनेस माइंड का तरीका, तो इस तरीके को फॉलो करो। और मैं वोकैब भी धीरा पे वही तो कराता हूँ ना, एक वीडियो में 10 ही वोकैब याद कराता हूँ, 10 वोकैब उसके 4 ऑप्शन, कम से कम 50 वोकैबलरी तो एक वीडियो में याद हो ही जाती है। अगर मैंने 50 पढ़ाया भी आपको, उसमें से आप 10 भी याद करते हो तो बहुत चीज़ है, बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये सभी तरीका है जो कि आप कर सकते हो। अगर ऐसा खोजते हो कि कोई बुक ऐसा मिल जाए जो कि हम एक बार पढ़ लें और बहुत ज़्यादा स्कोर कर दें, तो ये इम्पॉसिबल। अब दूसरा तरीका ये, दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमें, अगर आपको वोकैबुलरीज याद नहीं होती है, तब याद नहीं होती है ना। जैसे मैंने आज जो है 10 सिनोनिम मान लो पढ़ लिया, या फिर मैंने आज 10 एंटोनिम पढ़ाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। जो भी 10 पढ़ाया मैंने, हमने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है कि भाई लो सुन लो मेरे से जो मैंने याद किया, तो क्या करेंगे। जैसे मैंने 10 पढ़ाया, जैसे मान लो एक पढ़ा दिया गुड का हिंदी पढ़ा दिया, एक बैड का हिंदी पढ़ा दिया मान लो, तो हमने कॉपी पे लिखना है, लिखने के बाद इस स्पेलिंग को लिखेंगे, अब इसका हिंदी लिखेंगे गुड मतलब अच्छा, और इसका सिनोनिम लिखेंगे, गुड का सिनोनिम क्या होगा, गुड का एंटोनिम क्या होगा, जो हमने आज पढ़ा है उसको, गुड का हमने सिनोनिम क्या पढ़ा था वो भी लिखेंगे, गुड का एंटोनिम क्या होगा वो भी लिखेंगे। ये सभी प्रैक्टिसेस करने से ना आप 1 से 2 महीने के बीच में और कैंडिडेट से आप बिल्कुल भी डिफरेंट नज़र आओगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाओगे ना, तो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा काफ़ी अप होगा, और जो कि एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई तीसरा रूल नहीं है जो आपको, हम जैसे कोई जन्म गुट्टी नहीं है कि किसी दूध में मिला के देते हैं और आप जो है एक दिन के अंदर 100 वोकैब रट गए तो आप भूले ही नहीं। हर स्टूडेंट्स भूलता है, आप कितना भी ब्रिलियंट हो आप याद करोगे भूलोगे, हो सकता है किसी की मेमोरी जो होती है कैपेसिटी कम ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा टाइम के तक याद करते हैं, कुछ कम टाइम तक याद रखते हैं। अगर आप भी कम टाइम तक याद रखते हो तो ये जो तरीका मैंने बताया आपको लिख कर, जैसे मैंने बोला गुड को आज हमने पढ़ा है, तो गुड को लिख देंगे, उसका हिंदी लिख देंगे, इसका सिनोनिम्स क्या पढ़ा था वो लिख देंगे, इसका एंटोनिम क्या लिखा था पढ़ा था हमने कभी भी, अगर एंटोनिम नहीं पढ़ा है तो छोड़ देंगे, सिनोनिम जो हमने याद किया है उसी को लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके याद करो, इसके बाद मिला लो कि जो हमने पढ़ा उसमें से कहाँ कहाँ हमने मिस्टेक किया, उसको एक बार फिर से अच्छे से देख लो। ये सभी तरीका जो है प्रैक्टिसेस करने से आपको वोकैबुलरीज पे कमांड होगा, और ग्रामर का तो हमने बोला ही, एक चैप्टर डेली प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है ना। और ये सभी करने के बाद एक महीने तक कंटिन्यू करो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना। फिर आप कमाल देखो कि आपकी वोकैबुलरीज, आपकी ग्रामर बाकी स्टूडेंट से काफ़ी डिफरेंट होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक महीने के बाद जब आप 30 डेज इस रूल को फॉलो करते हो, तब तक आपको बहुत मज़ा आने लगेगा करने के बाद, जब आपके स्कोर जो है डे बाय डे क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो अब आपको ना सारे दूसरे एग्ज़ाम के, बड़े बड़े एग्ज़ाम के, जैसे आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करो, इसी कंपेयर में एफ कैट जैसा एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, इसकी लेवल नज़र में CDS जैसा एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, तो क्यों हम एक्स और वाई पे इंडिपेंडेंट रहे, नहीं ना। हम एफ कैट की भी वो कैप पढ़ेंगे, CDS की भी ग्रामर पढ़ेंगे, इसके अलावा SSC CHSL जो है वो भी पढ़ेंगे हम, उसकी वोकैबुलरीज, ये कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन गूगल से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम CGL की भी वोकैबुलरीज पढ़ेंगे। आप जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड करोगे, इन्हांस करोगे, आपकी जो है ना माइंड उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी, और आपको याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और सोचोगे कि हम सिर्फ किसी और को देख के बस ये सोचे कि हम अच्छा कर लेंगे, अच्छा वो है तो सब कोई कर सकता है, तो करने का तो सब कोई कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर बात समझ में आई घुमा फिरा कर तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये वीडियो देख कर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने तरीके से आप सही करो, ठीक है ना। मैं तो बस आपको बता ही सकता हूँ, हाथ पकड़ के करा नहीं सकता, और ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बातें हर किसी को अच्छी भी लगी, ओके। सो जिसको अच्छी लगी वो फॉलो करना, जिसको नहीं करना है वो कमेंट करके भी बोल देना कि मैं नहीं करूँगा, जिसको करना है वो भी करना कि मैं फॉलो करूँगा। और हाँ, एक महीने तक करो, उसके बाद अगेन इस वीडियो के ऊपर आना, फिर कमेंट करके बताना कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मैंने इंग्लिश की बहुत सारी मॉक टेस्ट करा रखी है, अगर आपने नहीं किया किसी मॉक टेस्ट को, इवन लगभग 5 अप्रोक्स मैंने मॉक टेस्ट करा दिया, तो उसमें से जो भी आपने नहीं किया है ना, तो जाओ प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कर लेना, और अपने मार्क्स सभी मॉक टेस्ट के नीचे कमेंट करके बताया करो कितने मार्क्स आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।